अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं हम इंडक्टर पर वीडियो। इंडक्टर से काम कैसे लेना है और वो काम कैसे करता है, ठीक है, और इंडक्टर किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, किस किस जगह पर इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो टाइम को जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम आ गए हैं अपने टास्क की तरफ। ये हमारे पास थोड़ा सा उसके बारे में मवाद है। इंडक्टर कॉइल कुछ भी कह लें, सेम चीज़ है, ठीक है ना। इंडक्टर की वैल्यू क्या है, कॉइल की वैल्यू क्या है, क्या उसकी पैमाइश है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी उर्दू में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये ना एक वायर होती है, वायर का टुकड़ा होता है, तार का एक टुकड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता, वायर का पीस होता है। जब हम इसको ना गोल गोल राउंड करते हैं ना, तो इसको कहते हैं इंडक्टर या कॉइल, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, कहते हैं कि हाउ कैन यूज़ कॉइल और इंडक्टर, ठीक है। हम इंडक्टर और इंडक्टर हो या कॉइल हो, इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, बस ये कुछ बताया गया है। तो मैं आपको कुछ यहाँ इंडक्टर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ साइज हैं, देखने में भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनके मुख्तलिफ टर्न्स होते हैं, चक्कर होते हैं, कि जो ये हमने ऐसे राउंड राउंड किया हुआ है ना, ये गोल गोल ऐसे घुमा घुमा के, ये मुख्तलिफ टर्न्स होते हैं, ये मुख्तलिफ साइज में होते हैं, मुख्तलिफ इनकी वो होती है लंबाई चौड़ाई। ये मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहे होंगे। अब ये देखें, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा, शायद आपको नज़र ही ना आए, चमक से कहीं नज़र आ जाए गलती से तो अलग बात है। ये देख लें आप, ये बहुत ही छोटा सा है इंडक्टर, कॉइल है ये भी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक छोटी सी और भी है कॉइल, ये भी उससे बड़ी, इसके अंदर लपेटा हुआ एक, इसके ऊपर ना ब्लू ब्लू ना कवर किया हुआ है, ताकि वो जो वायर है ना वो बहुत बारीक है तो डैमेज ना हो, ठीक है ना। अगर इसको भी आप गौर से देखें तो इसके ऊपर भी ऐसे ही है, इसको ना एक डब्बे में ना बंद किया हुआ है इंडक्टर को, ठीक है ना, ताकि ये डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत ही ना थिक वायर है, थिन वायर है। अच्छा, ये हमारे पास ना ट्रांसफार्मर है छोटा सा ना, ये टीवी में इस्तेमाल होता था पहले, अब तो खैर टीवी का दौर ही नहीं रहा इसलिए ये इस्तेमाल ही नहीं होता। खैर हम इस्तेमाल इसको करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, आपने ये देखे कोर वाले, कोर से मुराद आपने ना, आपने इनके अंदर एक मटेरियल देखा होगा ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा आपको ना, ये इसके ऊपर वायर लपेटी हुई है, ये भी ब्लैक सा ही है मटेरियल, बट इसके ऊपर ना कलर किया हुआ है। इनके ब्लैक क्यों होते हैं, येलो, ये ग्रीन है, देखें ग्रीन क्यों होते हैं, ये ना आगे चल के बात करेंगे, ये डिफरेंट यूज में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं, तो इनको फिर ना कलर से मेंशन किया जाता है। एक हमारे पास विदाउट कोर है, एयर कोर, ये देखें इसके सेंटर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है दरमियान में से, इसे कहते हैं एयर कोर इंडक्टर, ठीक है। इसी तरह ये भी है हमारे पास, असल में ना ये देखें, ये भी ऐसे ये बीच में से खाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इंडक्टर की पहचान हो गई होगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करना, इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये देखें ये भी। अब आप पूछेंगे कि भाई यार ये आपने इतने सारे दिखा दिए, ये तो बड़ा रोला हो गया भाई, इन रोलों से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है।
देख लिया आपने डॉक्टर, चलो इनको यूज करना देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे थ्योरी के अंदर, इसको थ्योरी में इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको थ्योरी में इससे कैसे इसकी वर्किंग को देखा जाता है। ये हमारे पास इंडक्टर है, हम इसको यहाँ बना लेते हैं। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है बैटरी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से जोड़ दें, ये पॉजिटिव पॉइंट बैटरी का, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये कॉइल का दूसरा एंड इसके नेगेटिव पर आ गया। अब जो करंट है ना, वो यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे फ्लो करता हुआ वायर में से इस इंडक्टर में पहुँचेगा। इस इंडक्टर में जैसे पहुँचेगा, अब यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा एक, ठीक है ना, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। सेम ऐसे इधर भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किए, वोल्टेज की वजह से अम्पेयर यहाँ पे चले, ये ऐसे चलता हुआ करंट इस तरह से ये वापस बैटरी में, और इस तरह ये चलता ही रहेगा। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, इसकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रही है, ये भी डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे हम यहाँ पे बैटरी डेड हो जाती है, या फॉर एग्जांपल हम मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। ये आपकी बैटरी आ गई, ये आपका आ गया स्विच, ठीक है। जैसे हमने इस स्विच को क्लोज किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये ऐसे बनेगा जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। इसी तरह इस साइड में भी ऐसे। अब जैसे ही स्विच ओपन करेंगे ना, हम इसको हटाएंगे, ये होगा क्या, पहले ये इसका साइड पॉजिटिव था कॉइल का, ठीक है, ये नेगेटिव था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम इंडक्टर को कोई सप्लाई मुहैया करते हैं, अगर तो डीसी सप्लाई मुहैया की है डायरेक्ट करंट, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंज नहीं होगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट यानी कि जो एसी करंट है वो मुहैया करते हैं, तो इसका जो ये वाला फ्लक्स है कभी इधर आ जाएगा, ये फ्लक्स इधर चला जाएगा, इस तरह ये अमल होता ही रहेगा एसी के अंदर, अल्टरनेटिव करंट के अंदर। क्योंकि हम चूँकि हम डीसी दे रहे हैं, इसलिए इसका ये एंड जो है पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। जब बैटरी का ये स्विच ऑन है, जैसे ही हमने ये स्विच ओपन किया, ये ब्रेक किया, ये कनेक्शन होगा क्या, ये जो ये एंड है ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। अब आप कहेंगे ये तो कोई नई कहानी आपने छोड़ दी है। भाई ये छोड़ी नहीं है, ये ऐसे ही है। जो ये फ्लक्स है ना, ये इंड्यूस ही हुआ था इस ये पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। जैसे हमने इसको हटाया, इसकी पोलरिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि इसने जनरेट किया इस पोलरिटी पे। जब इसका ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप होगा, सुकड़ेगा, इस वापसी इसी पर ही अप्लाई होगा, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ठीक है। पहले नेगेटिव इधर था, अब नेगेटिव इधर हो जाएगा, पहले पॉजिटिव इधर था, फिर पॉजिटिव इधर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसकी अगर पावर को यूज़ करना चाहें, तो हमें यहाँ पे लोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हम लगाएंगे, मैं एक एलईडी लगा के दिखा देता हूँ। ये एलईडी है, मैंने आपको सैंपल सिखाए थे, ये देखें। अगर हम ना डायरेक्शन लगा देते ना, ये इसका पॉजिटिव है एलईडी का, ये नेगेटिव है। अगर हम एलईडी का पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर लगा देते, तब होता क्या, तब
तब ये बैटरी की पावर यूज़ कर रही होती है एलईडी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अभी बैटरी की पावर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये हमने इसको यहाँ से पॉजिटिव अप्लाई किया, यहाँ पे एलईडी का नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है तो इसलिए ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि एक डायोड है बेसिकली, ठीक है। इसलिए ये इसका मतलब ये पावर भी कंज्यूम बैटरी की नहीं करेगा। जैसे ही हम यहाँ स्विच ओपन करेंगे, ये बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए ऑन होगी, यहाँ तक कि आपको आम आंख से नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ा और ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका जो रिस्पांस टाइम है देखना है, तो उसके लिए मज़ीद वो सर्किट वगैरह लगता है, कैलकुलेशन होती है उसकी, वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आज हम इंडक्टर से ये एलईडी ज़रूर ब्लिंक कराएंगे, चाहे थोड़ी सी देर के लिए ही सही, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे हमने इसको ओपन किया, पहले इसकी रिवर्स पोलैरिटी थी बैटरी के मुताबिक, बैटरी को अगर नज़र में देखा जाए तो रिवर्स ओरिजिन में थी ये एलईडी। जैसे हमने ये हटाई, हमने पहले बात किया कि जैसे ये कोलैप होगा, सुकड़ेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी पर ही अप्लाई होगा, तो ये होगा क्या, इसमें इसमें बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब बैक ईएमएफ क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। जब भी किसी इंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो, ठीक है, उसके अंदर ना वोल्टेज पैदा हो जाती है, वो ख्वाह कितने भी हों वो उससे सरोकार नहीं है, लेकिन पैदा ज़रूर होते हैं, क्योंकि हम डीसी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें पैदा होकर वापसी डेड हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन कॉइल जो है ना वो कहता है कि मुझे अल्टरनेटिव करंट मुहैया करो मुझसे काम लेने के लिए, लेकिन हमारे पास तो बैटरी सोर्स है, इसलिए हमने ये स्विच लगाया ताकि मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकें, ये करंट की डायरेक्शन ब्रेक और मेक कर सकें। अब होगा क्या, जो इस पर अप्लाई वो होगा करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड में करंट हो जाएगा, फिर वापसी जो मैग्नेटिक फील्ड माहौल में खड़ा है इसके इर्द गिर्द मौजूद है, वो इसी पर ही अप्लाई होगा और इसको एक बैटरी सोर्स बना देगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई एलईडी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंडक्टर, हमारे पास आ गई कॉइल, ठीक है, और ये हमारे पास बैटरी आ गई। अब हमारा जो स्विच है वो शॉर्ट है, पता नहीं कहाँ गया, हम मैनुअली ऑन ऑफ कर लेंगे ये, इसको हम ब्रेडबोर्ड पे लगाते हैं। हम छोटी कॉइल से शुरू करेंगे, ठीक है, ये हमने इसको लगा दिया ब्रेडबोर्ड पर, ठीक है ना, ये आ गई हमारी बैटरी, ये हमारे पास आ गया ग्राउंड साइड, ये हमारे पास आ गई इसकी पॉजिटिव साइड। मैंने कहा है कि हमारे पास स्विच मौजूद नहीं है, तो हम हाथ से मैंने ऐसे 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 करेंगे, ठीक है, तो इसे हम एडजस्ट करेंगे, क्या करें, ये देखें इसकी आपको दो लेग नज़र आ रही होंगी, एक बड़ी है एक छोटी है, यहाँ पे बैटरी का ग्राउंड साइड लगा हुआ है, मैं उसमें भी पॉजिटिव लगा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है ना। वैसे तो हो सकता है आपको नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ये तो वो एलईडी है जिसका हमने जनाजा निकाला था, ये कहाँ से आ जाती है बार बार, अब ये हम इसको ये लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नज़र आई मेरी बैटरी लगाने पर ऑन होती है, थोड़ी सी हटाने पर ज़्यादा ऑन होती है, जब हम इसको फास्ट करते जाएंगे ना पीएस पर लगेगा जैसे ना ब्लिंक खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब गौर करें इसकी टांग पर थोड़ी सी ना चिंगारी भी महसूस होती है, वीडियो में पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही, मुझे आ रही है, देखिए लगाने से ऑन नहीं हुई, जैसे हटाया ऑन हुई, लगाने से ऑन नहीं हुई, हटाया ऑन हुई। इसी तरह अगर हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, अब ये बैटरी की पावर को कंज्यूम करेगा,
हमारा ये एलईडी, लेकिन इसका जनाजा निकल जाएगा इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पर कोई हाई वाली लगा देते हैं, पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव, नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव। अब ये देखें, अरे यार लग भी जा, ठीक है। ये देखें, लगाने पर ऑन होती है, हटाने पर नहीं होती। लगाने से इसलिए क्योंकि जब तक इसको करंट मुकम्मल मिलता है तब तक तो ये ग्लो होती है, क्योंकि करंट आसान रास्ता ढूंढता है। कॉइल हमेशा डीसी वोल्टेज के लिए शॉर्ट सर्किट होती है, और ये गर्म भी हो रही है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है। कि देखिए अब क्योंकि हीटअप हो गई है, बैटरी का करंट भी कुछ कम हो गया है, इसलिए वो ग्लो ही नहीं हो रही। इसे हम थोड़ी कम वाली लगा लेते हैं, पावर वाली, ये जो होती है ना कलरफुल वाली, बहुत ज़्यादा पावर की होती है। और ये देखें, अगर गौर करें तो अभी हो सकता है ये एलईडी ना भी चले, क्योंकि बैटरी की पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी है, चल रही है। देखिए लगाने पे ऑन होती है, हटाने पर ऑफ हो जाती है, लेकिन जब हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं फिर ये कॉइल की जो एनर्जी होती है ना स्टोर शुदा मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में, उसको यूज़ करती है एलईडी, और बैटरी की पावर को यूज़ नहीं करती, बैटरी की पावर को ये यूज़ करती है कॉइल, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा हीटअप भी ये हो रही है, ये देखें लगाया हटाया, हटाने पे ऑन हो रही है, देखें लगाया हटाया, ये देखें। तो आपको समझ आ गई होगी ये काम किस तरह करता है इंडक्टर। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की है, और पावर बैंक की जो बैटरी होती है, जो आपका मोबाइल पावर बैंक होता है, उसकी बैटरी भी 3.7 वोल्ट की है। अब जो ला है, जो असूल है, वो तो ये कहता है कि अगर आपने बैटरी को चार्ज करना है तो इससे ज़्यादा वोल्टेज हो। अगर 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो हमें 4.2 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट का अडाप्टर या पावर बैंक चाहिए। अब हमारे पावर बैंक में तो 3.7 वोल्ट की बैटरी है, अब ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे होती है? उसके अंदर ये जो कॉइल है ना, सारा इसका कमाल होता है। बैटरी की पावर इसको दी जाती है, फिर इससे जो पावर बनती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में, वो इसी पर ही अप्लाई करवा कर इसकी एनर्जी को एक कैपेसिटर में स्टोर करवा कर उसके अंदर इसको स्टोर करा कर आगे आपके रेगुलेट करवा कर आपके मोबाइल को 5 वोल्ट मुहैया करती है। इसकी पावर को कैलकुलेट किया जाता है कि ये इतनी वोल्टेज, इतनी फ्रिक्वेंसी और इतने लोड पर ये क्या और कब और किस टाइम क्या देगी, क्या आउटपुट देगी, कितने वोल्टेज पर ये काम करेगी, इसकी कैलकुलेशन होती है। वो हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह, और आपको सिखाएंगे कि एक कॉइल या इंडक्टर कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो अच्छा, आज देखे आप लोगों ने कैसे हमने कॉइल से काम लिया है, और कॉइल काम कैसे करती है उसका हमने बेसिक देखा है। अब हम इसका थोड़ा सा ना सर्किट बनाते हैं, वोल्टेज बूस्ट कहते कैसे होते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज को बढ़ाती कैसे कॉइल, क्योंकि जो चीज़ किसी चीज़ को बढ़ा सकती है वो कम भी कर सकती है। जैसे कि हमारे पास 12 वोल्ट है, अब हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो हम इसी कॉइल को स्विच करवा कर हम इसको बक टेक्निक में इस्तेमाल करके वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बूस्ट का देखेंगे, ठीक है, और इसका सर्किट यहाँ बनाते हैं अपने इस रजिस्टर पर। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को जाया किया बिना। अच्छा, तो ये हमारा आ गया बेसिक बूस्टर, जो ना बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। ये इसके कनेक्शंस हैं, ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, क्या कहते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। इसको इसी के अकॉर्डिंगली जोड़ लेते हैं ब्रेडबोर्ड पे, फिर हम इसका नतीजा देखते हैं।
ये हमारे पास रहा मल्टीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा मल्टीमीटर, ठीक है। हम इस बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे, आया इसमें वोल्टेज कितनी है। ये हमारे पास वही पुरानी बैटरी है, क्या करें, चार्ज भी नहीं करता ना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ये देखिए 3.4 वोल्ट है, ठीक है। जब हम इन्हें बूस्ट करेंगे ज़्यादा नहीं तो ये 5 वोल्ट तक जाएंगे। यहाँ आउटपुट पर हम मल्टीमीटर लगाएंगे, ठीक है। असल में हमारे पास थे 2 मल्टीमीटर, लेकिन ना इस मल्टीमीटर की वायर्स थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, हमने और मल्टीमीटर में से निकाल कर इसको यूज़ करें। अगर इसकी वायर सही होती है, वो मल्टीमीटर भी मिला के आपको इनपुट के वोल्टेज और आउटपुट के वोल्टेज एक साथ दिखाते, यहाँ पे आपको दिखाते ये कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से ना इस मीटर की वायर्स ख़राब हो गई हैं। चले, ये हमारे पास इंडक्टर है, ये देखिए ये बड़ा ही खूबसूरत सा इंडक्टर है, इसकी वैल्यू भी ऊपर नज़र आ रही होगी आपको, बहुत ही हसीन है ये, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं थ्योरी की, अक्सर हम इससे वास्ता आगे पढ़ता ही रहेगा। जो इंडक्टर है ना, क्वाइल है, उसको हम ना थ्योरी में एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। डायोड को डी से, कैपेसिटर को सी से, ठीक है। जो एलईडी है उसको एलईडी कहेंगे और क्या कहेंगे। अच्छा, अब हम इसको इसके अकॉर्डिंगली जोड़ लेते हैं सर्किट को। हम छोटी क्वाइल ही अपनी यूज़ करेंगे, बड़ी क्वाइल यूज़ करके देखेंगे अगर इसे वर्क किया, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज कम है तो इसकी मिकदार कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इसको साइड पे। ये हमारे पास आ गई क्वाइल, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी का आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये देख लें इजीली है जॉइंटेड। तो हमारा ये बैटरी का टर्मिनल लग चुका है, अब हमने लगाना है डायोड। हमारा डायोड, तो यहाँ पर डायोड इस्तेमाल होता ना, वो आम डायोड नहीं होता, फास्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम अवेलेबल है UF4007 डायोड, ठीक है। ये आपको मैं वीडियो में दिखा दूँ, ठीक है ना। ये देखें, UF4007 डायोड है। एक होता है 1N4007, एक होता है UF4007। 1N जो है ना वो एक सिंपल डायोड है, ये फास्ट रिकवरी स्विचिंग डायोड है, ठीक है। ये हमने इसके कॉइल के एंड पॉइंट पे जोड़ दिया है इसको, इसके साथ हम कुछ स्विच भी लगा देते हैं, इसको हमने ढूंढ निकाला है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं तो इतना तो हमारा हक बनता है। मुझे पता है मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, लेकिन फिर क्या करें, इन्फॉर्मेशन छोटी वीडियोस में तो दे नहीं जा सकती। अब यूट्यूब पे तो बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, लेकिन फिर क्या करें, लेकिन बनानी पड़ती हैं आपके लिए लंबी वीडियोस। ये हमने ग्राउंड कर दिया इसका टर्मिनल, ये देखें। इसी तरह अब हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 47 UF50 वोल्ट, ठीक है। इसको हम लगा देते हैं इधर, जो कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड है वो डायोड पर होगा अप्लाई, जो नेगेटिव साइड है वो इधर ग्राउंड में जहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये हम लगा देते हैं इस तरह से करके। अब हम यहाँ पर आउटपुट चेक करने के लिए वायर्स भी लगा देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये आउटपुट है जो हम कनेक्ट कर देते हैं इधर, यहाँ लगा देते हैं ये मल्टीमीटर, ठीक है। तो बैटरी के वोल्टेज चेक करा चुका हूँ मैं मज़ीद इसको चेक कराने की ज़हमत नहीं करूँगा।
ये हमारा लग गया है मल्टीमीटर। अब दिख जा भाई कितना काम करेगा। आउटपुट में वोल्टेज देख लें, 3.2 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने इस पुश स्विच को जो लगाया, इसको हम जब करेंगे पुश करेंगे, ये जो हमारे पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 2 वोल्ट भी बढ़ जाए तो बहुत है, क्योंकि पीछे पावर हमने कितनी दी है। ये देखें 12 वोल्ट तक पहुंच गया है। आपको टिक टिक की आवाज़ आ रही होगी, ये मैंने इसको ना, इसका मतलब ये कि स्विचिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही बढ़ गया। मैंने तो 2 वोल्ट की उम्मीद की थी, पर तो जैसे मैं रोक देता हूँ, ये वोल्टेज स्लो स्लो डाउन होते जाएंगे। देखें डाउन हो रहे हैं। ये है विदाउट लोड, जब हम कोई लोड कनेक्ट कर देंगे फिर इसके जो वोल्टेज है ना, थोड़े बहुत ही शायद बढ़े, हो सकता ना भी बढ़े, क्योंकि लोड कनेक्टेड होगा और साथ साथ जो पावर स्टोर हो रही है ना, उसको यूज़ करता चला जाएगा, ठीक है। ये हम एलईडी लगा रहे हैं, देखें वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोड लगाते ही ना, वो डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, जो उसने स्टोर किया था ना वोल्टेज, वो उसने अपने कंज्यूम कर लिए। ये मैं लगा देता हूँ एलईडी, जगह भी नहीं बची, इसको थोड़ा खुला कर लेते हैं, एक वायर का इजाफा करके, ठीक है ना। ये हमने, हमारी जो कॉइल है बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, यहाँ मैंने हाथ लगाया है तो फिर ही पता चला है। ये हमने लगा दिया कैपेसिटर, ये हमारी एलईडी लग गई है, ये हम एलईडी लगा देते हैं। देख लें वो मीटर पे जो वोल्टेज हैं, वो तकरीबन आपको नज़र आ रहे हैं 3.5 वोल्ट हैं, हालांकि हमारे पास 3.4 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन डिस्चार्ज हो रहा है, कम हो रही है। जैसे हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तो एलईडी भी ग्लो होना शुरू शायद हो ही जाए। नहीं, हमारी एलईडी वर्क नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही भाई? हो सकता है ये ख़राब हो, चेक कर लेते हैं इसको। को यहाँ पे एलईडी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एलईडी है, ये देखिए चल रही है एलईडी, ये एलईडी ठीक है हमारी। यहाँ हम लोड पे कनेक्ट करते हैं तो चलती क्यों नहीं? अच्छा, तो ये मसला होता क्या है, हमने वायर लगा दिए सही लेकिन आउटपुट गलत जोड़ दी थी ना, ये यहाँ पर भी लगानी चाहिए थी, हमने लगाई नहीं। ओहो, लगता है एलईडी उड़ गई है। हाँ जी, एलईडी उड़ गई है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। आपको दिखा देता हूँ, इसका भी हमने आज जनाजा निकाल दिया है, ये आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी, अंदर से नज़र आ रही है ना आपको, उम्मीद करता हूँ। हाँ, ये देखे ना, आपको नज़र आ रही होगी, इसका भी जनाजा निकल गया है। अब एक सही एलईडी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका जनाजा नहीं निकला, क्योंकि वो सही होगी, ये गोरी गोरी है, वो ब्लैक ब्लैक हो गई है, फर्क नज़र आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आ रही होगी। लेकिन हमारा यहाँ जो कपड़ा का जनाजा निकला, इसका भी मज़ा आ रहा होगा आपको। चलो कोई बात नहीं, हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, गलती हमारी भी है, हम पाकिस्तानी है ना, प्रोटेक्शन को नहीं देखते ना, इसलिए ना। एंड आपने ना पहले, सबसे पहले ना, अपने लोड की प्रोटेक्शन हर हाल में करनी है, ताकि ना आपको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एलईडी कनेक्ट करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल सही है, बस उम्मीद करता हूँ ये इसका जनाजा ना निकले। मुझे पता है मेरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, फिर करना पड़ता है।
इनपुट वोल्टेज देख ले 2 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, जो इस टाइम आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट पे तो हमें पता नहीं है, मीटर भी नहीं है, तो क्या चेक करें, वायर का झंझल इतना हो गया। अब देखें जैसे मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, ये कम हो रहे हैं बढ़ने की बजाय, इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो लोड है वो कनेक्टेड है। तो अब करंट कम है, वोल्टेज का बूस्ट हो रहा है लेकिन करंट कम है। अब जैसे हम एलईडी को निकाल देते हैं, मीटर भी बोलने लग गया, थक गया काम कर करके, तो तब ये बूस्ट होते हैं। देखें 6 वोल्ट तक चले गए हैं, 8, 9, 11, 12 बढ़ ही रहे हैं, 14 तक पहुंच गए हैं, 15 तक पहुंच गए हैं, और इसी तरह ये बस 15 तक ही पहुंचे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है, करंट बहुत कम है। हमने सिर्फ इस वीडियो में बूस्ट करा के दिखाना था, वो करा दिया। तो वो हमारा काम हो गया जो हमने करना था। लोड हमारा इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो बूस्ट कर रहा है वोल्टेज, वो उसके एम्पियर कम है। वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि वो काम कैसे करती हैं, उनसे काम लेना कैसे है, ठीक है। तो आपको दिखा दिया मैंने वोल्टेज बूस्ट कैसे होते हैं, हमारा लोड नहीं चला, वो क्यों नहीं चला वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि हमारे पास इनपुट जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उसके बावजूद फिर भी उसने 9 लोड पर तब भी उसने 15 वोल्ट हमें दिखा दिए हैं। हो सकता है इस वायर की जो थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, जिसको जिसकी वजह से एम्पियर और सॉरी करंट को ना बेयर ना कर पा रही लोड करंट को। और ये बहुत ज़्यादा हीटअप भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, क्योंकि कम करंट की कॉइल थी, हमने इसको ज़्यादा करंट दे दिया, एक्स्ट्रा करंट दे दिया, इसकी वजह से हीटअप हो गई और लोड का जो करंट है वो बेयर नहीं कर पा रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, घर पर सेफ रहें।